बिग बॉस ओटीटी की हिट टीआरपी मशीन जो कह रहे हैं जिन्हें, जो कि हैं प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस के घर के अंदर दोस्तों सभी के साथ झगड़ा किया है, सभी के साथ हंगामा हुआ है और सभी के साथ प्रतीक का जो है 36 का आंकड़ा भी हुआ है, एक्सेप्ट उनके फ्रेंड्स यानी कि निशांत और मूज। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो प्रतीक सहजपाल के सपोर्ट में उतरी है बिग बॉस की एक विजेता और कहती हैं कि भाई उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, वहां पर मुझे फॉलो करें। प्रतीक सहजपाल की बात करें दोस्तों तो उसे मिल रहा है भौंकाल सपोर्ट और ऐसा सपोर्ट मिल रहा है जो कि है जबरदस्त। ऐसे में विनर जो रह चुकी है यानी कि गौहर खान जो बिग बॉस सीजन 14 में भी आई थी तूफानी सीनियर्स बनकर और बाकायदा बाकी के सीजन में भी गेस्ट बनकर आई थी, तो गौहर खान ने दोस्तों ये बात कही है कि प्रतीक को रिधिमा ने दिव्या ने शमिता ने और इन सब ने लगभग जो है कुछ ना कुछ गलत कहा है, गाली दी है, खानदान के बारे में कहा है, लेकिन प्रतीक ने आज तक जो है ना किसी के खानदान के ऊपर कुछ कहा है ना किसी को गाली दी है, एक्सेप्ट वो जो कल हमने देखा था। ऐसे में दोस्तों प्रतीक सहजपाल को लेकर ये बात है कि प्रतीक अच्छा कर रहा है और प्रतीक आगे भी जाएगा, ये बात कहती हैं गौहर खान। देखना मजेदार रहेगा दोस्तों प्रतीक की जर्नी क्या रहेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बट हाँ, ये बात तो एडमिट करनी पड़ेगी कि रिधिमा तो बाप रे बाप को तो एक अलग ही लेवल की लेकर जाती है, खानदान बाप ये वो फलाना ढिमकाना जो कि हाइट्स है। वहीं दिव्या ने जो है पहले दिन आके गाली दे दी थी अगर आपको याद होगा, तो शमिता ने दूसरे तीसरे दिन जो है झगड़ा करना शुरू कर दिया था और न जाने क्या क्या बोला था, तो एक औरत को ऐसा बोलोगे तुम, ये टाइप का कुछ ऐसा बोल दिया था। So, दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।